हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ACL लिगामेंट टियर हो गया है और आप ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं डॉक्टर पर्व मित्तल, आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, आज आपसे ये डिस्कस करूंगा कि ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के लिए आपको प्लानिंग कैसे करनी है। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपको छुट्टियां कितने दिन की अप्लाई करनी है, अगर आपका प्राइवेट बिजनेस है या प्राइवेट शॉप है तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस चीज के रिगार्डिंग काफी कम वीडियोस आपको YouTube पे मिलेंगी और ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो हर पेशेंट हमसे पूछता है कि सर हाउ डू आई प्लान। तो दोस्तों, आर्थ्रोस्कोपी ACL रिकंस्ट्रक्शन जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि यह दूरबीन की सर्जरी होती है, तो इसमें आपको पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत जल्दी आपका कम हो जाता है और काफी आपको बहुत जल्दी 4-5 दिन में आपको काफी रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका काम ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको मात्र 3 दिन की छुट्टी लेनी है, क्योंकि 4th डे ऑनवर्ड्स आप अपना जूम मीटिंग पे कॉल्स अटेंड करना, आपका एक्सेल शीट्स बनाना, पावर पॉइंट्स बनाना, इवन मीटिंग्स होल्ड करना। हमारे पेशेंट्स हमें भेजते हैं कि सर्जरी के 4th दिन वो बैठ के अपना बेड पे 4th दिन से ही जूम मीटिंग्स कर पा रहे हैं। अगर आपका अपना काम है, जैसे कि अगर आपका शॉप पे बैठने का काम है या आपकी फैक्ट्री पे बैठने का काम है, तो आप करीब 10 दिन की छुट्टी मान के चलिए सर्जरी के बाद, क्योंकि 10 दिन में आप वॉकर के साथ चलने फिरने लग जाएंगे और काम पे जाके आप कुर्सी पे बैठ के और पैर ऊंचा करके अपना डेली वर्कलोड कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका जॉब कहीं ऑफिस में है या आपको स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो आप मान के चलिए कि आपको 15 से 20 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 15 से 20 दिन बाद आपको थोड़ा थोड़ा सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर सकते हो और वॉकर की हेल्प से चलना फिरना शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से पहले आपको बहुत जरूरी है कि ये चीज समझें और अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि हर इंजरी डिफरेंट होती है, हर पेशेंट डिफरेंट होता है और ये टाइमलाइंस जो है ये बहुत ही ब्रॉड ग्रॉस एवरेज गाइडलाइंस होती है, जो कि केस टू केस ऊपर या नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। थैंक यू।